हर्ष गुड इवनिंग, संगीत सहाय गुड इवनिंग, उत्कर्ष अग्निहोत्री गुड इवनिंग। ये सब लोग पुराने परिचित नजर आ रहे हैं मुझे, मैं गलत तो नहीं हूं? निशांत शर्मा गुड इवनिंग, नितेश गुड इवनिंग, रोशन गुड इवनिंग, ये सौरभ लाइव है, अभिषेक पाल गुड इवनिंग, हर्ष सत्यम राजपूत गुड इवनिंग, आकाश तरफ देर गुड इवनिंग, अभिजीत कुमार भूपति, शाश्वत पाटिल, रोशन गुड इवनिंग सबको, प्रशांत आर्यवंशी गुड इवनिंग, नमस्ते प्रशांत, विशाल गुड इवनिंग, दीपांश जैन, अभिषेक पाल, यस अभिषेक, नेम वाइज आई आइडेंटिफाइड अ फ्यू ऑफ देम, कपिल कुमार, जीना साहू, राजेश राज, सोनू चौरसिया, चलो हर्ष बहुत अच्छा है, बिशो गुड इवनिंग, शाश्वत तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, अगर हो तो मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूं, सो डोंट वरी, देर इज नो प्रॉब्लम, हम लोग का मीडियम सेम है शाश्वत, आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, पवन आई एम फाइन। आप लोग इंडिया के ऑलमोस्ट डिफरेंट पार्ट से आप लोग हो, दैट इज फॉर ग्रांटेड। सुचाला कर्ण गुड इवनिंग, ओके राजेश आप एडमिन से बात कर लेना, पवन आई एम फाइन, ओके 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 सोनू, ठीक है हर्ष, अमित चौधरी जय हिंद, सौरभ हाँ, पिंटू नमस्ते सर, आपको भी मध्य प्रदेश से आप लोग हो, प्रणाम अभिषेक शॉ, संगीत आई होप कि करेंगे वो, बिशो द थिंग इज देयर ना, कि जैसे अभी किसी ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बस और लोगों से थोड़ा मुलाकात कर लूं, अनुज नमस्ते यहां भी हो, राम आज्ञा पांडे प्रणाम भाई, यूपी गोरखपुर, सोनू ठीक है, ठीक है सौरभ, देखो पारसिंह आकाश तरफदार, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओके यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, नाइस वन, पांडे आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा, पवन आप यूपी से हो, नाइस वन, डिसअपॉइंटमेंट शायद ना हो, बस्ती से आप हो, बस्ती नाला यूपी, ओके आप में से किसी ने कहा कि ग्रामर बैच और कंपोजिट बैच में अंतर बताइए, देखिए हम लोग का ग्रामर एक्चुअली यहीं से शुरू हो सकता है, आपके क्वेश्चन में ही आप लोग समझना जरा ध्यान से, आपके क्वेश्चन में ही आपके ग्रामर का बेस छुपा हुआ है, देखो आपको अभी नोटिस गया है जो आप लोग मेरे से जुड़े, इट वॉज मेंट फॉर ग्रामर, यहां आपको मैं ग्रामर के बारे में बताऊंगा, अब पिंटू पटेल ठीक है, पिंटू नाइस, राजेश अजीत गुड इवनिंग,
राजेश आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज आप सब लोगों को समझना जरूरी है, आप ध्यान दीजिएगा एक बात कि अगर कपिल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल तुम जितना देख सकते हो, इसमें कोई बार नहीं है, इस बार कोई रुकावट नहीं है, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, एंड आपका बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरे को लगता है कि 3 4 5 महीने आपका वीडियो रहेगा। सुनोगे संगीत ध्यान से पहले अभी उन लोगों को जो मेरी बात पहली बार सुन रहे हैं, कुछ कंसेप्ट्स को हटाना जरूरी है दिमाग से। देखिए एक बात, आपके पास जब आप इंग्लिश की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज दैट कंप्राइजेस टू अदर थिंग्स एट द सेम टाइम। शाश्वत एक चीज मैं बता रहा हूं, आप लोग पहले देखो परेशानी कहां है ना, आप सब लोगों को मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ, कि वो ग्रामर को इंग्लिश मानते हैं, ये उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। जिस तरीके से बचपन से आपको ट्रेन किया जाएगा, अगल बगल में वही करते हुए सब लोगों को देखोगे तो आपके दिमाग में भी ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज सेम रिएक्शन आएगा जो अभी आप बता रहे हो। आपने आज तक लोगों को देखा है कि कोई आदमी अगर मैथ्स के पेपर की तैयारी कर रहा है, आप लोग ध्यान से सुनना, अगर वो मैथ्स के पेपर की तैयारी कर रहा है तो वो सारे चैप्टर्स को पहले अलग-अलग समझने की कोशिश करता है, उसके फॉर्मूला जानने की कोशिश करता है, उसके क्वेश्चंस बनाता है उस चैप्टर के, उसको एनालाइज करता है जहां उसकी गलतियां होती हैं, एंड देन वो कॉम्पोजिट पेपर में आता है जहां पे किस चैप्टर से क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है उसको नहीं पता है। हमारे यहां इंग्लिश में बच्चे, जरा ध्यान देना, मैं उधर में जा उधर आता हूं मैं उस बात पे। हमारे यहां इंग्लिश में बच्चे क्या करते हैं, पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन। अब वो कैसे पढ़ते हैं वो तो हमें एक आध दिन के बाद समझ में आएगा कि क्या पढ़े थे और क्या एक्चुअली हकीकत होता है, और बनाएंगे क्या ग्रामर के अलावे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेज क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस अरेंजमेंट। क्या आपने सेंटेंस अरेंजमेंट के चैप्टर को पहले सीखा कि इसको कैसे बनाया जाता है? क्या इसके लिए कोई थियोरी नहीं होता? क्या क्लोसेस बनाने का यही तरीका है कि मेरे को ऑप्शन सी अच्छा लग रहा है? जबकि आप ये जानो कि अगर 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से 3 या 4, अगर 4 हैं ऑप्शन तो 3 गलत है 1 सही है। हम लोग कैसे बनाते हैं, मेरे को अच्छा लगा, अब लेट्स मैच द आंसर। जबकि मैथ में क्या होता है, आपको पता होता है कि आपने सही बनाया है, आपको पता होता है कि आपने सही बनाया है, लेकिन इंग्लिश में पता ही नहीं होता कि हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। अब अगर ये हाल है तो बी श्योर कि यू हैव मेड अ गेस, तुमने गेस किया है, तुमने सॉल्व नहीं किया है। सॉल्व करते तुमको पता होता कि बाकी 3 गलत हैं 1 सही है, तुमने गेस किया है इसीलिए तुमको वो अच्छा लग रहा है और गेस हमारा लड़ नहीं रहा है ओरिजिनल आंसर से, दैट इज वाई हमारा सिलेक्शन रुका हुआ है। क्या आपने उस चैप्टर को, जैसे क्लोसेज में बोलूं, डबल फिलर बोलूं, सिंगल फिलर बोलूं, क्या अकेले कुछ दिन तक आपने बनाने की कोशिश की, उसको सीखने की कोशिश की कि आखिर वो कैसे बनता है? डिड एनीबडी टेल यू? नो, नॉट एट ऑल। ऊपर से एक चीज और जानो कि मैथ्स में कुछ बेसिक होता है। बेसिक का मतलब ये होता है, आप ध्यान से सुने, कि आप कोई भी सेक्शन बनाओ, किसी भी चैप्टर को सॉल्व करो, किसी भी चैप्टर को सॉल्व करो,
उसका इस्तेमाल होगा ही। और मैथ का बेसिक होता है, आप किसी भी सेक्शन को बनाओ, आप परसेंटेज बनाओ, रेशियो प्रोपोर्शन बनाओ, हाइट एंड डिस्टेंस बनाओ, टाइम एंड डिस्टेंस बनाओ, जो भी तुमको बनाने का है, बोट स्ट्रीम बनाओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, तुमको जो बनाने का है बनाओ, लेकिन बिना इसके इस्तेमाल के आप आंसर तक नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। तो क्या इंग्लिश में कोई बेसिक होता है? क्वेश्चन ये उठता है, क्या कुछ बेसिक होता है कि जिसको आप कोई भी सेक्शन बना रहे हो उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और वो है अंडरस्टैंडिंग। अब परेशानी ये है, जरा समझिएगा आप। प्रणाम सोनू कुमार, हर्ष गौतम, गुड इवनिंग। आप जरा समझिए कि अंडरस्टैंडिंग तो बेसिक है ना, और पिंटू आपने जो कहा कि अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होगा, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें किसी ने प्रमोट नहीं किया, हमें किसी ने उपाय नहीं बताया अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। उन्होंने हमें क्या कहा कि न्यूज पर पढ़ो, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, वर्ड मीनिंग रटो, रटते रटते हो जाएगा। भाई कितने दिन तक और कितना वर्ड रटा जाए, वुड यू गिव मी अ टारगेट? मेरे को टारगेट एक दोगे आप कि इतने वर्ड से रट लो, यहां से रट लो, इतने दिन न्यूज पर पढ़ो, हो जाएगा, पढ़ो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, ये कोई सलाह नहीं है, ये हमें भुलाने की बात है। द प्रॉब्लम इज कि जिन लोगों ने सलाह दिया दे डिड हैव, उनके पास ग्रामर के कुछ रूल थे, और वो ग्रामर नहीं था, याद रखना, दैट वॉज नॉट ग्रामर, दैट वॉज फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो कोई भी रट के याद कर सकता है कि नो सुनर के साथ देन लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। जैसे मैं बोलूं मेरा मैथ बहुत खराब है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। डिड आई बिकम गुड इन मैथ, गुड एट मैथ्स? क्या मैं मैथ्स में अच्छा हो गया क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद है? सेम वे, क्या आपको अंग्रेजी के कुछ डेफिनेशन से याद हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एंड थिंग, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन प्रोनाउन। क्या आपको कुछ ये डेफिनेशन से याद है एंड कुछ फॉर्मूला याद है, उससे आपको ग्रामर समझ में आ गया? इस पहाड़ के नाम के पहले द लगता है, ये नदी के नाम के पहले द लगता है, इस न्यूज़पेपर के पहले द लगता है, क्या ये कुछ फैक्ट्स याद करने से आपका ग्रामर डेवलप हो गया? नहीं हुआ। वो फैक्ट्स कोई भी रट के याद कर सकता है, वैसे ही याद करना है जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम याद करना है, किसी देश के कैपिटल का नाम याद करना है, करेंसी का नाम याद करना है, वैसे ही मैं जिन फैक्ट्स की बात कर रहा हूं उसको रट के याद किया जाता है। उसके लिए कोई समझ की जरूरत नहीं है, किसी कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। व्हाई एट ऑल आई विश टू टेक अप अ ग्रामर क्लास? क्यों? क्योंकि ये लड़कों को आकर्षित करता है। अगर मैंने ग्रामर बोला तो दे थॉट दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कंपोजिट बैच। नो वे, यहां मैं कंप्रीहेंशन की बात नहीं करूंगा, मैं आपको याद दिला रहा हूं फर्स्ट डे कि कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग इज द बेस। ग्रामर से वो डेवलप नहीं होता, ये डेवलप करने की कोशिश करो, ग्रामर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप जिस ग्रामर को जानते हो, जरा एक बात बताओ, आप सब लोग जो थियरी तुम जानते हो मैथ में, ग्रेजुएशन के बाद जो पढ़ रहे हो, स्कूल के बच्चे को उसमें से कुछ नहीं पता है। वो बेसिक वो भी जानता है, बेसिक तुम भी जानते हो, जोड़ घटाव गुणा भाग करने जा वो भी जानता है, तुम भी जानते हो। अंतर क्या है कि तुम्हारा स्पीड तेज है, उसका स्पीड कम है, उसको सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, तुम्हारे पास बिना लिखे भी तुम कर लेते हो, तुमने इस बेसिक्स का लेवल अप कर लिया है।
सुनो रुक जाओ। सुनो ने कहा उस बात को मैं बाद में आप आपसे चर्चा करता हूं, सुनो को ही बताता हूं। लेकिन आपके क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैथ्स में, अगर आप एसएससी देने जा रहे हो, अगर आप मैथ बैंकिंग देने जा रहे हो, तो डीआई का जो लेवल है वो लेवल बच्चों को, स्कूल के बच्चों को आज तक होश में भी नहीं आया होगा, होश में भी नहीं आया होगा वो। मनीष गुड आफ्टरनून। होश में भी वो नहीं आया होगा कि वो उस लेवल पे क्वेश्चन आता है। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन स्कूल के बच्चों को होश में नहीं आता, नहीं आएगा वो। लेकिन एक बात बताइए कि ग्रामर में तुम जो जानते हो, सेवेंथ एट्थ क्लास का बच्चा भी वो सब चीज जानता है, वो सब चीज जानता है जो तुम जानते हो। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट थिंग, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ये करते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो स्कूल का बच्चा भी जानता है, तुम भी। क्या तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवल पे आने के बाद, ग्रेजुएशन लेवल पे आने के बाद तुम्हारा ग्रामर कुछ ऐसा हुआ जो उस क्लास के बच्चे को होश में भी नहीं आएगा कि ऐसा ग्रामर होता है, एक्चुअल ग्रामर ये है? नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश, हमारी हिंदी बेल्ट में स्कूल के लेवल पे अभी भी ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल के लेवल पे। और पढ़ाने वाले को सिर्फ ग्रामर के कुछ फॉर्मूला याद हैं, कुछ डेफिनेशन से याद हैं, इसीलिए वो आपको बोलेगा कि जब तक ये नहीं होगा तुम्हारी अंग्रेजी डेवलप ही नहीं हो सकती है। मेरे को एक बात बताइए आप कि अगर ग्रामर को जानना किसी भाषा को जानने का पहला कंडीशन है, तो अपने दिल से मेरी बात का जवाब देना, नो मत बोलना। क्रिया विशेषण के भेद जानते हो? कितने तरह के होते हैं? नहीं जानते? कारक, संधि, समास, नाम सुना है, बचपन में पढ़ा था, भूल गया, तो हिंदी भी नहीं आनी चाहिए थी। ग्रामर एक सेक्शन है, इसको अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। एक सेक्शन है जिससे कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिम्मेवारी में क्या आता है कि उस ग्रामर का मैं लेवल इतना बढ़ाऊं कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे अगर सही से इस्तेमाल किए तो थोड़ा बहुत असर डाले, वो डाले। आप हिंदी के किसी ग्रामर के रूल को नहीं जानते, पढ़ा था बचपन में, भूल गए। क्यों भूल गए? उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ना बोलने में, ना लिखने में, ना पढ़ने में, कहीं जरूरत नहीं पड़ती उसकी। लिखना, बोलना, पढ़ना, मैं जिस स्टेट से हूं, यहां एक एकाध टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस, बोध गया, वहां मैंने देखा है कि छोटा छोटा दुकान वाला, होटल वाला अंग्रेजी में बोलता है, क्लोसेस भी बना लेगा वो। अंग्रेजी सीखना पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, प्रैक्टिस की चीज है। प्रैक्टिस किस चीज का? नाउन का पांच भेद होता है। तुमने हिंदी में पहले क्या सीखा? स्पोकन हिंदी। तुम्हारी हिंदी सीखने का तरीका देखो ना कैसे उल्टा चलता है। पहले तुमने सीखा स्पोकन हिंदी, तुम पांच क्लास के उम्र में करीब करीब स्कूल गए होगे, उस समय में हिंदी बोलने आती थी तुमको, टूटी फूटी सही, लेकिन बोलने आती थी तुमको। तुमने पहले स्पोकन सीखा, उसके बाद तुमने अल्फाबेट सीखा, क ख ग कैसे लिखा जाता है, और उसके जस्ट बाद तुमने पढ़ना सीखना शुरू किया। पढ़ना, पढ़ के समझना, और यही लैंग्वेज को सीखने का तरीका होता है। पहले स्पोकन सीखा जाता है, उसके बाद पढ़ के समझना सीखा जाता है। अंग्रेजी में क्या हुआ? जब आप स्कूल में गए, आपको सिखाया गया ट्रांसलेशन, आज उस ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है, आज उस ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है। और जो ट्रांसलेशन हमें पढ़ाया गया था, बाय एंड लार्ज देवर मीनिंगलेस, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। ट्रांसलेशन बताया गया, ग्रामर के रूल्स बताए गए। सूर्य प्रताप नमस्कार। ग्रामर के रूल्स बताए गए, व्हाट हैपेंड?
व्हाट हैपेंड, वो ग्रामर के रूल्स में क्या हुआ, क्या उसने हमें पढ़ने को बताया? नो. क्या उसने बोलना सिखाया? नो. क्योंकि तुम्हारी परीक्षा रीडिंग की होती है. तुम कॉम्प्रिहेंशन को चाहे कितना भी लंबा हो नॉर्मल पढ़ के समझ सकते हो या नहीं, पढ़ने की परीक्षा होती है. क्लोजेस पढ़ के समझ सकते हो कि नहीं, तुमने कभी क्लोजेस में काउंट किया है? तुमको सलाह दिया जाता है क्लोजेस बनाओ, वर्ड मीनिंग रटो, क्लोजेस बनाने आ जाएगा. तुमने काउंट किया है कि किसी क्लोजेस में कितने अनजान वर्ड आते हैं? तुम काउंट करोगे ना, आश्चर्य होगा. बहुत कम वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग मैं नहीं जानता, अधिकतर वर्ड का मीनिंग जानता हूं. और तब भी हमको क्या लगता है, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाए, हो सकता है ये वाला भी हो सकता है. कोई ना कोई तो कारण होगा कि एक ही होगा बाकी नहीं होगा. Nobody promoted you to find. किसी ने प्रमोट नहीं किया कि तुम खोजो उसको, क्यों होगा, कारण खोजो. मैं अगर बोल दूं कि इसका आंसर बी होगा तो डिपेंड करता है कि मैं किस में बोल रहा हूं, इंग्लिश में कि मैथ में. अगर मैथ में तुम्हारा आंसर ये मैच नहीं किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाई, कैसे. इंग्लिश में अच्छा बी होगा, ए नहीं होगा, मेरा वाला आंसर नहीं होगा, बी होगा. अच्छा ठीक है, बी में कौन सा वर्ड था उसको घूर घूर के देख लिए. होगा क्या, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन याद होता चला जाएगा, बनाने का तरीका नहीं आएगा. क्योंकि जब तक तुम व्हाई का जवाब ना मांगो, जब तक तुम व्हाई का जवाब नहीं मांगो, तुमको तुमसे एक्यूरेसी कैसे आएगी तुम्हारी. तुम मैथ में यही तो व्हाई, कैसे बना, क्यों आंसर हुआ, हमेशा से खोजते हो. और इंग्लिश में कौन सा है, देखते हो कितना अंतर है. इंग्लिश में कौन सा आंसर है और इंग्लिश में, अब मैथ में कैसे है, क्यों है, कैसे है और क्यों है, और इंग्लिश में कौन सा है. सर सिंपल सी बात है कि यहां पे मैं आपसे ग्रामर की बात करने आया हूं. मैं अपने आप को ग्रामर तक कन्फाइंड रखूंगा, लेकिन याद रखो कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के की कोशिश तुम्हें करनी है. Nobody is going to help you. आज तक इस पूरे पृथ्वी पे हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश की कोई किताब नहीं बनी है और ना बनेगी. और यही चीज आपके लैंग्वेज के लिए सबसे जरूरी है. इसको डेवलप कीजिए, इसको आपको खुद डेवलप करना होगा. क्योंकि आपको तो पता चल रहा होगा कि पढ़ने के बाद अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, जो होना चाहिए वो मेरे को निकल नहीं पा रहा है. कोशिश करो, साइकिल चलाने की तरह है, मोटरसाइकिल चलाने की तरह, कोशिश जारी रहेगी ना तो चलाने आ जाएगा. शुरुआत के सेज में बैलेंस नहीं बनेगा. मैं एक सेक्शन से जुड़ा हुआ हूं एंड दैट सेक्शन कंसर्न्स द ग्रामर पार्ट. अब ये कि ग्रामर एक्चुअली है क्या, यहां पे आज हम लोग बात कर रहे हैं. मैं आपको तैयार करूं पहले, क्योंकि आप अगर आए हो इस बात को लेके कि उन चीजों की मैं बात करूंगा जो तुम बचपन से जानते हो, तो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, प्लस टाइम भी बर्बाद हो रहा है. अगर तुम उन चीजों को जो जानते हो वही चीज मैं रिपीट करूंगा. तुम पांच पहाड़ का नाम जानते हो, तीन पहाड़ मैं और जोड़ूंगा अपने तरफ से. अगर उसके लिए आए हो तो दोनों चीज की बर्बादी हो रही है, मनी एंड उससे ज्यादा जरूरी टाइम. उसके लिए नहीं आए हो, इसको समझने आए होगा आखिर ये होता क्या है, क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ता. ध्यान देना, ग्रामर के 80% चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ती सेंटेंस में, आपको देखना पड़ता है. टेंस तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हें दिखेगा वर्ब, उस वर्ब से तुम टेंस पहचानते हो. ध्यान रखना. हाँ, जो दिखाई पड़ता है 20% वो फॉर्मूला है. और इस 20% को कोई भी रट के याद कर सकता है.
हिमालयाज के पहले द लगेगा। इसको कोई भी रट के याद कर सकता है, एनीबॉडी, चाहे उसको अंग्रेजी आती हो चाहे नहीं आती हो। इस 80% को जो दिखाई नहीं पड़ता वो सीखने के लिए आप यहां आए हो। आप जो जानते हो ना, आप जो जानते हो वो मैक्सिमम चीजें ये जानते हो। आई होप, सॉरी आई बिलीव दिस, मैक्सिमम उसमें से अधिकतर चीजें ये हैं जो आपके नजर में गढ़ती हैं। वो पढ़ोगे ना तो दिखाई पड़ेगा, नो सुनर है तो देन लगेगा, हार्डली स्कार्सली है तो वेन लगेगा। दैट इज नॉट ग्रामर, दैट इज फॉर्मूला। हाँ, ग्रामर के सेक्शन में है तो हमें हमारे टीचर्स ने बताया कि वो वही ग्रामर है वही, क्योंकि ये दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। हम हमको अंग्रेजी में दिखाना है, हिंदी में नहीं। नहीं तो मैं हिंदी में होता तो हमको बताया जाता कि अंतिम में ताहे ती है लगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब तो ताहे ती है का जमाना गया, स्कूल में थे तो था, क्योंकि हिंदी मीडियम से था, एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन पूछता था तो उसमें ताहे ती है करो, चुका है चुकी है करो, बात समझ में आती। लेकिन अब तो नहीं है ना, एसएससी तो ताहे ती है नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो वहां ग्रामर आपको जो देखना है वो वाले ग्रामर देखनी है जो दिखाई नहीं पड़ती, एंड फॉर दैट यू हैव कम टू मी। मेरा अपना, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे को बताना तुम। ये वाला तो लिस्ट बना के आदमी दे सकता है दो दिन में, कागज पे लिख के आपको पोस्ट कर दिया, चलो भाई। और वो भी आप बोलोगे कि ये तो बचपन से जानते हैं, ये कौन सी चीज है। देखो समझना, तुम यहां ग्रामर में कभी भी आज तक तुम पढ़े क्या हो, जरा सोचो तो, तुमने ग्रामर में पढ़ा क्या है एक्चुअली? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही तो पढ़ते हो। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां पढ़ते हैं, हम तो टेंस पढ़ते हैं, हम तो वॉइस पढ़ते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं? टेंस, वॉइस, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, आर्टिकल, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या नाम लेते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अभी किसी ने, सोनू ने शायद कहा था, कपिल ऑलरेडी नोट्स। देखो एक चीज कपिल, एक बात बताते समझना, कंसेप्ट के नोट्स नहीं बन सकते। ध्यान से सुनो, आज फर्स्ट डे है, मेरे साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कंसेप्ट के नोट्स नहीं बन सकते, फॉर्मूला का नोट्स बन सकता है। टीचर जो बताता है मैथ्स में, कपिल एक बात सुनना मेरी बात, टीचर जो बताता है कि देखो ऐसे ऐसे करोगे तो कट जाएगा, उसका नोट्स बन सकता है क्या? वो तो तुमको किताबों में क्या मिलता है? फॉर्मूला ना। किताबों में तुम्हें जो मिलता है मैथ्स में फॉर्मूला मिलता है, और टीचर, टीचर एक मिनट सुनिएगा, टीचर तुमको जो बताता है कि कैसे बनेगा वो उसका फॉर्मूला नहीं बता, वो उसका नोट्स नहीं बन सकता। मैं तुम्हें कपिल जो ग्रामर समझा रहा हूं इसका नोट्स बन ही नहीं सकता। मेरी ग्रामर की किताब है, ग्रामर की किताब है, मैंने उसमें कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश की है, कोशिश की है। बट यहां तुम आए हो ना तो मेरे से सामने सामने सुनो, और इस वीडियो को तुम बहुत बार देख सकते हो, एज मेनी टाइम्स एज यू हैव गॉट द कैपेसिटी।
जितना टाइम तुम्हारे पास, जितनी कैपेसिटी है तुम्हारे को देखने का, तुम देख सकते हो। उसके नोट्स तुम अपने बनाओ। कपिल ध्यान रखना, मेरा नोट्स मेरा होगा, तुम्हारा नोट्स मैं समझा दूंगा। नहीं समझ में आएगा तुम मेरे से 12 बार पूछना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली सुनो, चलो छोड़ देते हैं अभी, अभी किताब का नाम क्या है छोड़ देते हैं अभी। इसको समझो, ये जो पार्ट है ना, तुमको जब तक नहीं पता चलेगा कि भर्व क्या होता है, ध्यान समझना, भर्व क्या होता है, तब तक तुम इन्फिनिटिव जेरंड पार्टिसिपल वॉइस टेंस का नाम जानोगे, ताहे तीहे चुकाहे करोगे, लेकिन उसको अच्छी तरह से कंट्रोल वाइज नहीं समझ पाओगे भर्व क्या होता है। और भर्व का डेफिनेशन नहीं, भर्व इज एन एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड, नो ये काम नहीं करेगा। व्हाट डू मीन बाय भर्व? मेरे दिमाग में एक सेंटेंस आ रहा था, संगीत, आई डोंट नो, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना अभी, आज तुम आए हो पुराने वाले क्वेश्चंस को रख के, उसका तो तुम जहां पे है देखो। आज बहुत सारे लड़के मेरे को पहली बार सुन रहे हैं संगीत, द क्वेश्चन इज, उसका अगर नंबर है वहां का इंस्टीट्यूशन का, तो तुम वहां कॉल करो, उनसे पता करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी मेरे को मेरी ड्यूटी अभी के टाइम में पढ़ानी है, एंड लेट मी टीच राधर देन आस्किंग ओल्ड ओल्ड क्वेश्चन। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, संगीत वो अभी फिलहाल के लिए इरेलीवेंट क्वेश्चन है, इरेलीवेंट। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, पुराने लोग देखो, एक सेंटेंस मैंने दिया, अभिषेक पाल यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड, नो वे। मेरे से तुम जुड़ रहे हो और तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है कि बुक का मटेरियल नहीं, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। मैं स्टार्ट कर चुका हूं, मैं स्टार्ट कर चुका हूं अभिषेक, डोंट वरी, मैंने यहां अंतिम में फुल स्टॉप लगाया है। सो दिस स्टैंड्स एज ए सेंटेंस विच इज बाय एंड लार्ज मीनिंगलेस। कपिल, बाय एंड लार्ज ये सेंटेंस मीनिंगलेस है फॉर मोस्ट ऑफ यू। अभिषेक पाल, फॉर मोस्ट ऑफ अस दिस सेंटेंस इज मीनिंगलेस, इज इन दैट। समझना ग्रामर की एक चीज, मीनिंगलेस, यस और नो? कपिल ने कहा यस मीनिंगलेस है, पिंटू ने, ओके पिंटू आई गॉट योर रिस्पॉन्स। बाकी और लोग जिन लोगों को दिखाई पड़ रहा है, रामाज्ञा ने कहा कि ओके मीनिंगलेस है ये। सौरभ जस्ट वेट, आई डोंट नो संगीत, अभिषेक पाल ने कहा यस भार्व इज एबसेंट। अभिषेक अब जरा उत्कर्ष अग्निहोत्री, दैट इज देयर, आई एम सेइंग मीनिंगलेस, यस बी शो, आई डू अंडर, आई डू। निशांत शर्मा से नो, ओके नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी। हमें जो बचपन से, ये सुनो सुनो, दैट आई डू अंडरस्टैंड, एजाज अनवर, थोड़ी देर बुक अभी मत खरीदो, अभी बुक मत खरीदो, अभी थोड़ा सा सीखो, अभी उसके बाद बुक।
बंदूक आदि तब जब बंदूक चलाने आ जाए। अभी भाड़े के बंदूक पे सीखो, मैं भाड़े का बंदूक दे रहा हूं और उस पे पहले चलाना सीख लो। जब चलाने आ जाएगा ना, साइकिल अपनी क्यों नहीं खरीदे जाए मोटरसाइकिल, जब पड़ोसी के मोटरसाइकिल पे सीख सकते हैं। सीख लेंगे उसी के मोटरसाइकिल को खूब पटक लेते हैं, तोड़ फोड़ लेते हैं, और जब सीख जाएंगे तो अपनी मोटरसाइकिल खरीदेंगे। खराब मत करोगे मोटरसाइकिल अपना, अपना मोटरसाइकिल नहीं, अभी पड़ोसी का मोटरसाइकिल, मेरा वाला, मैं दे रहा हूं, मैं मोटरसाइकिल दे रहा हूं भाई। देखो सुनो, हमें एक डेफिनेशन दिया गया, याद करना, बचपन में दिया गया था। द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इंटू एट कैटेगरीज एंड दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अनवर ये जानते होंगे आप लोग, तो ये आप में से सबको याद होगा। अंग्रेजी के शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे आठ भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये तुम में से सबको याद होगा, हर्ष गौतम, आई नो आई नो आई नो, सबको याद होगा। अब मेरी बात सुनो जरा, इसको पढ़ाने वाले ने समझाया नहीं बच्चे को, रटवा दिया। अनवर, जैसा मेरे नाम से तुमको समझ में आया होगा, हम लोग हिंदू फैमिली से हैं, मतलब मैं हूं, और यहां पे जितने हिंदू फैमिली से लोग हैं, करीब करीब सब लोगों को करीब करीब 99.999% लोगों को एक मंत्र याद होगा, क्योंकि बचपन में रटवाया जाता है। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, बचपन में बच्चे को रटवाया जाता है। और है क्या कि जो रटवा रहा है और जो रट रहा है, दोनों में से किसी को उसका अर्थ नहीं पता है। सब मिलके रटने में लगे हुए हैं कि हम रट लेते हैं हमको पुण्य मिलेगा। पुण्य क्या मिलेगा वो तो सोचने का चीज है, अंडर कोट। अरे तुम उस मंत्र से जब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोला जा रहा है, तो तुम तो आंख बंद करके हाथ जोड़ के जबरदस्ती फीलिंग पैदा करोगे। कहे कि तुमको बचपन से बोला गया, तुम प्रार्थना कर रहे हो भाई बिना समझे। चाइनीज में किसी की, सौरभ ये आप थीम बता रहे हो, वो इतना लंबा है, भीतर की ज्योति जलाओ, ये भीतर में कौन सा बल्ब लगा हुआ है, एलईडी, कौन सा बल्ब लगा हुआ है, भीतर की ज्योति जलाओ, ये ज्योति कौन सा होता है, समझने की कोशिश की। अगर उसका मान, एक तो उसका ये मीनिंग नहीं है, एक उसका मीनिंग नहीं है, पूरा मीनिंग चाहिए होता है, पहली चीज। हाँ स्कूल में प्रेयर होता है, एग्जैक्टली सुनो, न पढ़ सिखाने वाले को न सीखने वाले को, किसी को भी नहीं पता है मीनिंग उसका। तो ठीक है, तो एसेंस ही तो जानना होता है ना सौरभ, तो एसेंस से ही तो जिंदगी चला लेते हैं। ग्रामर में डिटेल में क्यों जा रहे हो, एसेंस तो जानते ही हो, भाव कैसे आएगा। चाइनीज में भी पढ़ोगे तो भाव नहीं आएगा, फ्रेंच में भी तुम मंत्र पढ़ो भाव नहीं आएगा, और संस्कृत में पढ़ो तो भाव नहीं आ रहा, समझ में तो तीनों नहीं आ रहा है, तीनों नहीं आ रहा है। सेम तरीका यहां पे हुआ, हमें इसको रटवा दिया गया। कपिल, हमें इसको रटवा दिया गया, और पढ़ाने वाले ने कुछ चीजों पे नजर नहीं डलवाई आपसे, कुछ चीजों पे नजर नहीं डलवाई। आई डोंट नो अभिषेक, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। अंग्रेजी के शब्दों को
मतलब इंग्लिश में जितने सारे शब्द हैं, जितने सारे शब्द हैं सब इस आठ कैटेगरीज में आएंगे। कभी तुमने सोचने की कोशिश की आर्टिकल कहां आएगा? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, जेरंड कहां आएगा, पार्टिसिपल कहां आएगा, क्योंकि वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आना चाहिए ना, वो भी अंग्रेजी का एक शब्द है। पार्टिसिपल कहां आएगा? अभी आप लोग में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ कुछ नहीं, पार्टिसिपल होता है भाई, क्या होता है, किस पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है वो नाउन का पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है, वर्ब का है, प्रीपोजिशन का है, कंजंक्शन का है, किसी का तो होना चाहिए ना, क्योंकि हमको डेफिनेशन बचपन में पहली बार हटवाया गया कि सारे वर्ड्स इंग्लिश के किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे, तो पार्टिसिपल कहां जा रहा है? एक तो ये नहीं सोचवाया है उन लोगों ने कि किसी भी वर्ड का पहले पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करो, और वो कैसे डिसाइड करो? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, हवा में नहीं भाई, फंक्शन पे। जब वो फंक्शन करना शुरू करे तब डिसाइड करो कि वो क्या फंक्शन कर रहा है। जब वो फंक्शन करना शुरू करे, और फंक्शन कब करेगा? जब हम उसको वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तब वो फंक्शन शुरू करेगा। हमको क्या बताया गया, पढ़ा रटवाया ये गया गया और सिखाया क्या गया कि मैन इज ए भर इज ए नाउन, मैन इज ए नाउन। वाह, पढ़ा कुछ रहे हो, सिखा कुछ रहे हो, ये तो अजीबोगरीब हाल है। पढ़ाते हो कि फंक्शन के आधार पे, फंक्शन का मतलब वाक्य में इस्तेमाल होगा, और सिखा रहे हो कि मैन नाउन होता है, तभी तो तुम्हें नाउन दिखाई पड़ रहा है। अगर ये वर्ब दिखाई पड़ गया होता तो ये सब्जेक्ट हो जाता, ये वर्ब हो जाता और ये ऑब्जेक्ट हो जाता, ये ऑब्जेक्ट हो जाता, एंड दैट्स इट, सेंटेंस इज मीनिंगफुल हो गया, मीनिंगफुल हो गया। और मैन एज ए वर्ब मतलब होता है रखवाली करना, देखभाल करना, निगरानी करना। और अब पढ़ के देखो तो आप सेंटेंस को मीनिंगफुल लगेगा। अब तुमको मीनिंगफुल लगेगा, आई एम डेट श्योर कि इस एरिया के तीन पुलिस में लोग रखवाली रखवाली करते हैं। हो गया, अब ये भी ठीक हो गया। यू पुलिस योर फीलिंग्स वेल, मैंने इस सेंटेंस में पुलिस को एज ए वर्ब इस्तेमाल किया, ये सब्जेक्ट है, और ये होता है, होता क्या है पुलिस एज ए वर्ब? कपिल, मैन का मतलब होता है निगरानी रखना, रखवाली करना, रखवाली करना, और ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया रखवाली करना, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो निशांत, सेंटेंस समझ में आ रहा है, अब ये सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है, अब ये सेंटेंस दिखाई पड़ रहा होगा। पहली बार मैं लिखा था तो तुम पुलिस मैन बोले पढ़ रहे थे, तुम पुलिस मैन पढ़ रहे थे, बचपन की ट्रेनिंग, बचपन की जो ट्रेनिंग मिली थी उस ट्रेनिंग पे काम कर रहे थे। यहां पे पुलिस नाउन है, यहां पे पुलिस वर्ब है, कंट्रोल में रखना। और ये मैं बना नहीं रहा हूं, आपकी डिक्शनरी में पहले से है, लेकिन आज तक आप लोगों ने कभी मैन पुलिस बुक कभी भी आपने इसके लिए डिक्शनरी नहीं खोला होगा। आप डिक्शनरी को रखते हो उन वर्ड्स के लिए जो आपके लिए अननोन है। तो भाई सबसे पहले तो ग्रामर का कंसेप्ट डेवलप करना होगा, क्योंकि तुम पढ़ोगे कंसेप्ट और क्वेश्चन मिलेंगे वर्ड्स वाले, उसमें रहेंगे वर्ड्स। अब वर्ड्स में तुमको अगर ग्रामर नहीं दिखाई पड़ रहा है
अगर वर्ड्स में तुम पेट्रोल इस्तेमाल करो ना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कपिल इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वर्ड्स में तुमको ग्रामर नहीं दिखाई पड़ रहा है, यही मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डाला था कि वर्ड का भी तो ग्रामर होता होगा ना, क्योंकि तुम्हें जो सेंटेंस मिलेगा उसमें वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर छुपा हुआ रहेगा, और उस वर्ड के थ्रू तुमको ग्रामर समझना है, तो वर्ड का भी तो ग्रामर सीखना होगा ना, वर्ड का ग्रामर पहले सीखना होगा, ग्रामर के कंसेप्ट्स तो बाद में, पहले वर्ड का ग्रामर। एंड दैट इज व्हाई इन आर क्लास विल स्टार्ट विद द वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में हम लोग शुरू करेंगे, वर्ड्स का पहले ग्रामर समझेंगे, उसके बाद वर्ब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये डेफिनेशन नहीं, क्योंकि आज तक मैंने अपने लाइफ में एक भी ऐसा डेफिनेशन नहीं देखा है जो 100% फिट हो। भाई जब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन है, फंक्शन तो उसका फंक्शन डिसाइड करो ना, डेफिनेशन कहां से, डेफिनेशन कैसे। मैं अगर बोलूं इन, अकेला अकेला वर्ड इन, मेरे को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तब तक जब तक ये सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हो। लेकिन कर्टसी हम लोगों को जो बचपन से बताया गया है, हमको ये बाय द वे पता नहीं कैसे प्रीपोजिशन लग रहा होगा, प्रीपोजिशन लग रहा होगा। हर्ष गौतम आप पुलिसमैन लिख लो, वर्ब गायब हो जाएगा, आपने पुलिसमैन को साथ में डाला और नाउन बना दिया, वर्ब गायब हो जाएगा, जबकि ये सेंटेंस मीनिंगफुल था। ध्यान दीजिए इन, आपको क्या लग रहा होगा, जानते हो जो हम लोग कर लेते हैं हिंदी में वो शेक्सपियर का बाप भी नहीं कर सकता था, उससे शायद पूछते ना तो बोलता कि होल्ड कर लीजिए आप ही बता लीजिएगा, आप ही बता लीजिएगा, पहले सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए तो मैं बताऊंगा, बाकी आपको बताना है तो जो बताने का बताइए, हम सब सुन लेंगे। कंजंक्शन होता है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, सेंटेंस में लगाइए तो पता चल जाएगा क्या है, फंक्शन कीजिए इसका। और मैं अगर ये सेंटेंस बना दूं कि इन इज अ प्रीपोजिशन, तो अब ये नाउन हो गया, यही तो सीखना है सौरभ, ये नाउन हो गया इस सेंटेंस में, होगा कहीं प्रीपोजिशन होगा, राम केम इन द मॉर्निंग, वहां पे नाउन प्रीपोजिशन होगा, यहां पे नाउन है, और ये अर्थ है ही केम इन, जैसे कपिल ने बोला ही केम इन, सेंटेंस खत्म, अब यहां इन एडवर्ब हो गया, क्यों, वो इस वर्ब से जुड़ा हुआ है। एक जगह एडवर्ब, एक जगह नाउन, एक जगह प्रीपोजिशन, एंड दिस इज व्हाट दिस डेफिनेशन मींस। इस डेफिनेशन का यह मतलब है कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड जब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता चलेगा, इसीलिए जब तक वो सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हो वो किसी पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं है, खाली इन एडवर्ब है, केम इन नहीं, केम तो वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो होगा ना, ये जिससे जुड़ा हुआ है, वर्ब से जुड़ी हुई चीज है, एडवर्ब होती है। अनुभव नमस्ते। सो रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग दैट आपको सबसे पहले जो सीखना है वो है वर्ड्स, उनका ग्रामर, और तब ग्रामर के कंसेप्ट को समझना, क्योंकि जब भी कुछ सेंटेंस मिलेगा ना, ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस मिलेगा
उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, वो रूल का सेंटेंस नहीं मिलेगा कॉमन एरर को बनाने के लिए, और उस वर्ड में वो ग्रामर का रूल दिखाई पड़े उसके लिए पहले वर्ड के कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। सो वील स्टार्ट आर क्लास डीलिंग विद द वर्ड्स, हम लोग वर्ड्स को डील करेंगे, हम लोग क्लास वैसे शुरू करेंगे। वर्ड्स को मैं समझाऊंगा, वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में जाते हैं, एंड उसके बाद जब वो आइडिया लगने लगेगा ना, रिसर्च का विषय है, आप भी करना, मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा, आप करना, उसको डेवलप होगा। और एक तरफ ग्रामर के कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, वर्ब होता क्या है, क्रिया नहीं होता, क्या होता है वो, वी हैव टू टॉक। सो कपिल, अभिषेक, एवरीथिंग विद्या एजुकेशन हब। अब आपको मैं विद्या बोलूं, एजुकेशन हब बोलूं, क्या बोलूं, ये तो इंस्टीट्यूशन का नाम लग रहा है, आप अपना नाम चेंज कर लो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन एग्जैक्टली अभिषेक पाल, अभिषेक ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि क्या हिंदी अंग्रेजी को सीखने में ऑब्स्टेकल है, और ये मैं हिंदी बेल्ट का हूं, मैं हिंदी बेल्ट का हूं और मैं बोलता हूं कि हिंदी अंग्रेजी को सीखने में परेशानी क्रिएट करता है। और अभिषेक इस बात पे, इस बात को मैं कल डील करूंगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट अभिषेक, पीडीएफ इज जस्ट द स्टडी मटेरियल। अभिषेक सॉ, इस आर स्टडी मटेरियल, अनडाउटेडली प्रमोद साहू, अनडाउटेडली, बट अगेन मैं बोल रहा हूं कि आई विल, वी शैल बी रिस्ट्रिक्टिंग आर सेल्फ टू डिस्कशन ऑफ ग्रामर, हम लोग ग्रामर के डिस्कशन तक रोकेंगे। आई टॉक अबाउट द इंट्रिकेसीज ऑफ ग्रामर एंड अनुभव बाय एंड लार्ज। अभी नहीं, अभी नहीं है सर, क्वेश्चन ही मत बनाओ। संगीत इनडायरेक्ट, सॉरी इनट्रांजिटिव भर में ऑब्जेक्ट नहीं आता संगीत। हर्ष गौतम, आपके पास एक, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो एक पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें क्वेश्चंस भरे हुए हैं ऑफ डिफरेंट लेवल, उसमें क्वेश्चंस हैं भरे हुए, और वहीं से प्रैक्टिस करेंगे, और वो डिफरेंट लेवल पे क्वेश्चंस है, एसएससी भी है, बैंकिंग भी है, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं अनुज, होता है ना। सो हम लोग कल हिंदी को कहां छोड़ना है ये डिस्कशन जरूर करेंगे, हिंदी कहां छोड़ना है, क्योंकि हिंदी नहीं छोड़ोगे तो अंग्रेजी का ग्रामर नहीं आएगा। मिलते हैं।